आज हम मौजूद हैं कॉन्फ्रेंस में फॉर सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वुमेन इन एमपी मिंटो हॉल में। और यहाँ कल और आज चर्चाएं हुई हैं कि किस तरह पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं। हमारे साथ है अंजु दुबे पांडे जी जो कि टीम लीड हैं फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। और अंजु जी आपका स्वागत है। थैंक यू निम्रा। ठीक है, तो सिंस हम कल से बात कर रहे हैं फॉर सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वुमेन, आई वॉन्ट टू आस्क कि हाउ इज अ वुमेन टूरिस्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर टूरिस्ट। तो निम्रा, मुझे लग रहा है कि हमारी बातचीत की शुरुआत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हो रही है कि क्या महिला टूरिस्ट टूरिस्ट से अलग है। तो आपसे बात करते हुए मेरे जहन में आ रहा है कि आजकल मध्य प्रदेश में खासकर कुछ महीनों पहले एक ये घोषणा भी हुई थी कि हम लोग लेडी डॉक्टर नहीं कहेंगे, हम लोग लेडी ड्राइवर नहीं कहेंगे, हम लोग लेडी टीचर नहीं कहेंगे, क्योंकि टीचर टीचर हैं और ड्राइवर ड्राइवर हैं। तो अगर उस तर्ज पे सोचूं तो मेरे जहन में भी ये बात आएगी कि क्या टूरिस्ट एक जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी है। और अगर हम महिला टूरिस्ट की बात कर रहे हैं तो उनके क्या अनुभव होते हैं, या जब महिलाएं एक टूरिस्ट की तरह ट्रैवल कर रही हैं, चाहे वो सोलो टूरिस्ट की तरह ट्रैवल कर रही हों या वो ग्रुप में ट्रैवल कर रही हों या वो अपने परिवार के साथ भी ट्रैवल कर रही हों, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि उनको जेनेरिक टूरिस्ट टर्म में उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, या उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो उनको कुछ अलग सा बना रहे हैं, या मैं ये कहना चाहूँगी कि वो क्या कुछ है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि एज अ टूरिस्ट इज़ डिफरेंट फॉर विमेन एंड गर्ल्स। तो सो अगेन आई वुडन्ट से कि महिला टूरिस्ट या जनरल टूरिस्ट, लेकिन इफ अ वुमन इज अ टूरिस्ट देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट एक्सपीरियंस डिफरेंटली एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड हर नीड्स हर रिक्वायरमेंट्स। एंड इफ आई कुड एक्चुअली अर्ली ऑन इन आर कॉन्वर्सेशन, मतलब जो आज हम लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं उसमें मैं शुरू में ही इस चीज़ को ले आऊँ कि एज अ टूरिस्ट उस महिला के अधिकार क्या हैं, एंड उसमें कई तमाम चीज़ें आएंगी जिस पर आई एम श्योर यू नो वील हैव अ कॉन्वर्सेशन टुडे। और क्या आप इस पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या अवधारणा होती है लोगों की फॉर अ वुमेन टूरिस्ट, फॉर अ टूरिस्ट हु इज़ अ वुमेन? तो कई चीज़ें हैं निम्रा इसमें, और मैं अपने पर्सनल अनुभव भी शेयर कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि जितनी महिलाएं हैं या जो पुरुष भी हैं जिनके साथ कोई महिला जुड़ी है या ना भी जुड़ी हैं, तो विशेषकर महिलाओं के इस तरह के अनुभव रहे होंगे। और जहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं कि एज अ वुमन तो टूरिस्ट के रूप में सबसे पहली तो एक अवधारणा ये है, खास करके ये कल्चरल हो सकता है, ज्योग्राफीज में वेरी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने देश में भी अभी सोलो टूरिस्ट महिला को एक सर्टन नज़र से देखा जाता है ना, या तो विशेषकर अगर कोई घटना हो जाती है तो ये भी होता है कि पूरा जो उसका जो पूरा दामोदर है या उसका जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस महिला के ऊपर डाल दी जाती है, या ये एक तरह की अवधारणा है कि ये अगर अकेली महिला टूरिस्ट कर रही है तो ये बड़ी चालाक किस्म की महिला होगी, जो बहुत ही एक सर्टेन इमेज जो महिलाओं के साथ जोड़ दी जाती है कि अगर ये सिंगल ट्रैवलर हैं तो फिर ये इजीली अवेलेबल हैं, ये अगर ट्रैवल कर रही हैं तो एक इनका सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो उस तरह की अवधारणाएं आई एम श्योर कि दुनिया की कई जगहों पर होंगी। ये काफ़ी बदल रहा है, लेकिन फिर भी सोलो विमेन ट्रैवलर्स के साथ एक ये हो जाता है कि इफ़ यू आर अ सिंगल वुमन यू माइट जस्ट बी अवेलेबल एंड ईजिली अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन उसमें जोड़ना चाहूँगी निम्रा कि इस पे मुझे नहीं लगता कि अभी हम काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं या इस पे हम आंकड़े जुटा रहे हैं कि जो सोलो विमेन ट्रैवलर्स हैं, या अगर आंकड़े आ भी रहे हैं या अनुभव
अनुभव भी उनके आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसमें ज़्यादा और रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसमें और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो अगर दोनों मिक्स एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं तो भी इसमें और ज़्यादा अध्ययन की, बातचीत की और उन महिलाओं के पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं एज सोलो ट्रैवलर्स या उनकी क्या अनुभव हो रहे हैं। तो माय पॉइंट इज कि हम उनके उनकी तरफ से ना तय करें, लेकिन उनसे पूछें और उनसे जानें कि बोथ हो सकता है बहुत पॉजिटिव हों, चीज़ें बदल भी रही हैं। वी नो ऑफ अ लॉट ऑफ विमेन टूर ऑपरेटर्स जो कि सिंगल वुमेन के लिए, ग्रुप्स ऑफ वुमेन के लिए टूर्स कर रहे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन फिर भी आई फील पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी एंड सेक्शुअल सेफ्टी ऑफ वुमेन that we need to learn definitely much more. Absolutely, Anju ji, आपने सही कहा कि there is still a stigma attached to character of women who travel alone and there is more work that is need to be done. आगे मैं इसी में से एक question, आपने बोला कि उसकी जो safety की responsibility होती है of that solo traveler or a traveler who is a woman, why is that on the woman herself? Is there something that women does that makes her unsafe? Or is she ignorant or less careful or something like that? So, तो निम्रा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपका प्रश्न जो है वो सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हर कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है। क्योंकि चाहे घर हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो और इंक्रीजिंगली अब ऑनलाइन स्पेस हो, है ना, तो उसमें सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं तो ये होता है कि भाई एवरी इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेफ्टी, बट कहीं पे ये बात आ जाती है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो आम तौर पे हमने देखा है कि हम वो जिम्मेदारी महिलाओं पे कहीं ज़्यादा डाल देते हैं कि आप 6 बजे क्यों थी निर्भय, आप 9 बजे रात में क्यों फिल्म देखने गई किसी लड़की के साथ और बस में चढ़ी, आपने ज़रूर कुछ पहना हुआ होगा, आप गलत समय पर गलत जगह पे थी इसलिए आपके साथ इस तरह की घटना हुई। और विशेषकर निम्रा, जो अध्ययन निकल के आया है उसमें ये भी है, एंड ऑल्सो नॉट बींग एन एजिस बट बिकॉज आई एम स्पीकिंग विद अ यंग पर्सन, कि एज एक बड़ा डिटर्मिनेंट है। तो जो यंग लड़कियां हैं उनकी वल्नरेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पाया कि एज डज बिकम अ फैक्टर ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी क्यों हो, क्योंकि मैं इस देश की एक नागरिक हूँ एंड आई डू हैव अ राइट टू एवरी स्पेस दैट शुड बी इक्वल एंड सेफ फॉर मी। विशेषकर हर दिनचर्या में, मतलब जो हमारी नॉर्मल भी दिनचर्या होती है उसमें भी और ये अगेन मैं सिर्फ पर्सनल अनुभव से नहीं लेकिन तमाम जो अध्ययन भी निकल के आए हैं इस पर, हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टेंटली इतना नॉर्मलाइज्ड हो गया है ये बिहेवियर कि महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर जाने से पहले कितनी चीज़ों के बारे में खुद को रेगुलेट करती हैं। वो चाहे ये हो कि आपने कपड़े क्या पहने हों, वो चाहे ये हो कि आप किस समय बाहर जा रही हैं, आप किसके साथ बाहर जा रही हैं, आप कब तक बाहर रहेंगी या आपके पास क्या है। तो एक हम लोगों ने इस पे कैंपेन भी करा था कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पुरुषों के लिए कैसे अलग हैं और महिलाओं के लिए कैसे अलग हैं। उसमें चाबी का गुच्छा भी हो सकता है, उसमें एक आपका पर्स भी हो सकता है। तो महिला कॉन्स्टेंटली अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, और जब मैं सुरक्षा कह रही हूँ तो आई डू वॉन्ट टू क्वालिफाई निम्रा कि कई बार हम लोग जेनेरिक सेफ्टी की बात करते हैं, है ना, तो सुरक्षा जो है वो आपके हेल्थ के से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फिजिकल सेफ्टी जो है उससे रिलेटेड हो सकती है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है, ऑक्यूपेशनल एग्जैक्टली। लेकिन महिलाओं और लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी जो यौनिक हिंसा है, जो सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड सेफ्टी है, उसको अभी भी हम हिचकते हैं बात करने में। तो जब मैं देखती हूँ कि परिचर्चाओं में भी सुरक्षा की बात हो रही है तो वी टॉक अबाउट सम जेनेरिक सेफ्टी, जबकि मेरा ये मानना है कि
पुरुषों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा बिकॉज ऑफ देयर जेंडर इज फंडामेंटली डिफरेंट, यू नो, एंड द वर्ल्ड दैट वी एग्जिस्ट इन, लाइक आई एम सेइंग, ऑन एन एवरीडे बेसिस रेगुलेटिंग और नेविगेटिंग आवर सेफ्टी, पर्टिकुलरली सेक्सुअल सेफ्टी, मीन्स अ लॉट मेनी डिफरेंट थिंग्स फॉर वुमेन. हर दिन जैसे हम जीते हैं उसमें एक उसका बहुत ही अलग अनुभव है, आयाम है, जिनपे बात करना एंड कॉलिंग इट बाय द नेम इट इज, यू नो, तो वो बहुत आवश्यक है. जी, आप जैसे बता रही थी कि एक महिला जब बाहर जाती है और एक पुरुष जब बाहर जाता है तो उसकी एक चेकलिस्ट अलग है दोनों की. बिल्कुल. और इसी में एक आगे आता है फाइनेंसिस का. Completely. कि जो औरत होती है, द वुमेन ऑलवेज एंड्स अप पेइंग मोर जस्ट टू इंश्योर हर सेफ्टी. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या जब हम कहीं जाते हैं, when we go to a higher end hotel just to ensure our safety, तो हमारा जो इसमें ये होता है कि हम local experience को उतने अच्छे से नहीं ले पाते हैं, उतने अच्छे से experience नहीं कर पाते. अगर कोई चीज़ रात को हो रही है and that is how it is done, we would avoid going there. So do you think this restricts our experience when traveling? I think निम्रा, आपके प्रश्न में तमाम issues हैं, तीन या चार जो मैं आपकी बात को सुन करके जो इमेज में रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी. एक तो ये अज्यूम करना और ये मानना कि हाई एंड जगहें सुरक्षित हैं, वी रियली नीड टू रीविजिट, यू नो, क्योंकि जो लोकल जगहें हैं, एक उस पर ये धारणा बन जाना कि वो असुरक्षित है, वी नीड टू, यू नो, रीविजिट दैट ऑल्सो. क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हाई एंड जगह जो है वो सुरक्षित होगी, क्योंकि सुरक्षा के जो पैमाने हैं और महिलाओं और बच्चियों के जो विशेषकर यौनिक सुरक्षा को लेकर के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये हर जगह में हो सकते हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट की, और यू नो अगेन, मैं पर्सनली भी प्रोफेशनली भी कई बार इन चीज़ों पे सोचती हूँ और खुद के अनुभव से भी, जहाँ पर कि डेफिनेटली इट बी गुड टू हैव मोर डेटा. मैं तो एनेक्डोटली शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पर अभी कोई अध्ययन हुआ है कि क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए, विशेषकर यौनिक सुरक्षा के लिए, कितना ज़्यादा खर्च कर रही हैं. लेकिन ये हमें मालूम है कि वी डू मिस आउट ऑन एक्सपीरियंसेस. जैसे आपने कहा कि भाई रात को अगर कुछ हो रहा है और मैं अकेली ट्रैवलर हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अरे यार कहाँ अकेले जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, यू नो, कमरे में ही रह जाते हैं. या ये भी होता है कि सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आई डू इन्वेस्ट मोर. इस पे पुरुष तो शायद सोचते भी नहीं होंगे, है ना. कोई अगर पुरुष सोलो ट्रैवलर है तो चिंता ही नहीं करेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे आऊँ. और हो सकता है कि जो चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो, इंक्लूडिंग बजट होटल्स, वो चूज़ करें. मैं कई बार सोचूंगी, और जब बातचीत भी होती है तो विशेषकर अगेन एज रिलेटेड, अगर आप कहीं किसी और देश से मेरे देश में आ रही हैं तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आप किस एरिया में होटल को चुन रही हैं. अरे वो कोट एंड कोट, वो पता नहीं एरिया सेफ़ है कि नहीं है. आप लोकल बाहर जो अनवेरीफाइड ट्रांसपोर्ट है उसको मत लीजिएगा. या मैं अपना खुद का जैसे एक्सपीरियंस कल शेयर कर रही थी कि मैं किसी दूसरे देश में थी, आधी रात को पहुंची एयरपोर्ट से, जहां तक पहुंची होटल तक, उसके बाद पता चला कि मेरे होटल तक पहुंचने में अभी और आधे घंटे की दूरी थी, और चीपर ऑप्शंस ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट वर अवेलेबल आउटसाइड दैट होटल. लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या ये सुरक्षित हैं, इनका मुझे कोई अकाउंटेबिलिटी का नहीं पता है. अगर कोई घटना होती है तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं कहाँ जाऊँगी. तो मैंने वो ऑप्शन चूज़ करने की जगह, जो मैं देख रही थी बहुत सारे या तो लोग जो ग्रुप्स में थे या जो पुरुष सिंगल थे, वो तुरंत बाहर गए होटल से और उन्होंने जो मोर अफोर्डेबल ऑप्शन थे वो चूज़ करे. लेकिन मैं होटल के अंदर गई, फिर मैंने पूछा क्या आपकी कोई वेरीफाइड टैक्सीज हैं, आपके कोई ड्राइवर्स हैं, और वो कई गुना महंगा था निम्रा. लेकिन मैंने वो चूज़ करा क्योंकि मुझे लगा कि आई एम रेडी टू पे मोर देन रिस्क माई सेफ्टी ऑफ ऑल काइंड, यू नो. सो इवन एट माई एज विद माई ग्रे हेयर आई डू वरी अबाउट माई सेक्शुअल सेफ्टी. दैट स्टिल इज़ अ प्रायोरिटी फॉर मी, यू नो. एंड आई डू नो कि जो यंग लड़कियां हैं, डेफिनेटली, यू नो, आई एम श्योर, यू नो, दैट डस प्ले ऑन देयर माइंड.
काफ़ी कुछ बदल रहा है इस संदर्भ में, लेकिन इस पे हम लोगों को और स्पष्ट बातचीत करना, कॉलिंग इट बाय इट्स नेम एंड गेटिंग मोर डेटा टू बेटर अंडरस्टैंड. यू नो, जैसे मैं देखती हूँ कि पेपर स्प्रे की बात हुई, यू नो कि भाई आप पेपर स्प्रे, तो मैं पूरी पेपर स्प्रे इंडस्ट्री के बारे में सोचती हूँ कि भाई कितने लोग इसमें पैसा बना रहे हैं, फिर भी पेपर स्प्रे लेके जो महिला जा रही है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित हैं, है ना. क्योंकि आज इसके अलग अलग आयामों पे आज की चर्चा में भी बात हो के आई कि भाई किसी ने कहा कि निर्भया को अपने रेपिस को भैया कह देना चाहिए था. मतलब मैं सोचती हूँ कि हम किस हद तक वो जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं जो कि एक विक्टिम स्लैश सर्वाइवर है. यू नो, वाई शुड वी नॉट पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑन वेयर इट बिलोंग्स, विच इज़ ऑन द परपेट्रेटर एंड इक्वली ऑन द सिस्टम रादर देन ऑन इंडिविजुअल वुमेन, जिसमें कि हम फिर कॉन्स्टेंटली रेगुलेट कर रहे हैं कि कहाँ जाए ना जाए, ये करें कि वो नहीं करें. और ख़ास करके अगर हम नेशन बिल्डिंग में महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक भारत हो जहाँ कोई भी महिला ना डरे और निडर होकर के कहीं भी आ जा पाए और वो चीज़ें कर पाए जो कि आज पुरुष कर पा रहे हैं, तो हाउ डिफरेंट वुड दैट इंडिया लुक फॉर ऑल ऑफ अस एंड डेफिनेटली फॉर यू नो द यंगर जनरेशन एंड पीपल लाइक यू. डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड टू दैट इंडिया. एंड सिंस यू वर टेलिंग कि लोकल जो एक्सपीरियंस होते हैं, सो व्हाट कैन बी द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो हमारे युवा लड़की लड़कियाँ हैं उनका रोल क्या हो सकता है इन रिसीविंग अ ट्रैवलर एंड इंश्योरिंग हर सेफ्टी और फॉर दैट मैटर हिज सेफ्टी एज वेल. तो आज का ये जो हम लोगों की चर्चा भी चल रही है निम्रा, उसमें भी आपने सुना भी कि ये एक कम्युनिटी एंगेजमेंट इस पार्टनरशिप का जो हम लोगों की मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ है, विशेषकर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ है, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ है, जो CSOs इसमें जुड़े हुए हैं, जो जो प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ है, मीडिया कर्मियों के साथ है, तो तमाम बड़ी एक पार्टनरशिप है. और उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है. अब कल अतिथि देवो भव कहा गया, मैं मन में सोच रही थी कि या तो अब ये कहना शुरू करें कि अतिथि देवी भव, क्योंकि हम लोग तो हर चीज़ को उस नज़र से देखेंगे. तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट आई थिंक दो तीन तरह से मैं उसको देखती हूँ. एक तो कि कम्युनिटी एंगेजमेंट विशेषकर महिलाओं की अगर बात करूँ तो टूरिस्ट स्थल के आसपास उनका आर्थिक सशक्तिकरण कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में हमारे देश में महिलाएं जो हैं वो इनफॉर्मेलिटी ऑफ लेबर है ना. टूरिज्म में भी कुछ अलग नहीं है, बड़ी संख्या में इनफॉर्मली महिलाएं काम कर रही हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम कह रहे हैं, तो उससे हम कैसे और सुदृढ़ करें और महिलाओं की उसमें कैसे भूमिका बढ़े, और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के आसपास का समुदाय है विशेषकर उसकी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण टूरिज्म से जुड़े हुए जो उद्यम हैं और ख़ास करके जो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हैं उसमें कैसे बढ़े, क्योंकि टिपिकली जैसे कल भी बात हुई थी कि टूरिज्म में हम लोग बड़े लिमिटेड रोल में देखते हैं, लेकिन हाउ कैन दे बी गाइड्स, हाउ कैन दे बी ड्राइवर्स, हाउ कैन दे बी होटल मैनेजर्स, हाउ कैन दे बी होम स्टे यू नो रनर्स, अलग अलग भूमिकाएं. तो इसको समझना कि वो जॉब रोल्स क्या हैं और उसमें महिलाएं कैसे, समुदाय की महिलाएं, इमिजिएट जो कम्युनिटी है वो कैसे बेनिफिट कर सकती है. दूसरा मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है समुदाय की सहभागिता का, टू मेक देयर टूरिस्ट स्पेस सेफ एंड इक्वल फॉर विमेन विजिटर्स. सो जिसमें रोल आएगा विशेषकर कि जो समुदाय के लोग इमिजिएटली, या तो जो पुरुष उसमें एम्प्लॉयड हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हो, और अगर नहीं है तो जो सिर्फ एंगेज कर रहे हैं, जो आसपास उस समुदाय में रहते हैं या जो बाईस्टैंडर्स हैं जैसे मैं कहती हूँ, तो उनका उनकी क्या भूमिका इसमें हो सकती है अपनी जगह को सुरक्षित बनाने की, और विशेषकर
मैं ज़रूर कॉल आउट करना चाहूँगी टू द मेन एंड बॉयज़, क्योंकि और विशेषकर जो युवा हैं, और निम्रा इसलिए भी क्योंकि ये जो इंटर जेनरेशनल ट्रांसफरेंस है ना व्यवहारों का, मानसिकता का और वायलेंस का, उस पर तब तक नहीं ख़त्म कर पाएंगे जब जेनरेशन्स एक दूसरे के साथ इस पर काम करें, यू नो, एंड पर्टिकुलरली द यंगर जेनरेशन। एंड जस्ट टू क्विकली शेयर कि अभी यूएन विमेन ग्लोबली एक जेनरेशन इक्वालिटी नाम के कैंपेन पे काम कर रही है, जो कि विशेषकर इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि हाउ डू वी एंगेज द करंट जेनरेशन बट ऑल्सो ब्रिंग इन द लर्निंग एंड विजडम फ्रॉम द प्रीवियस जेनरेशन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। और मैं कहूँगी कि जेंडर इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी, यू नो, डेफिनेटली हम अपने दो दिन की चर्चा में महिलाओं और लड़कियों पे फोकस्ड हैं, बट वी आर लुकिंग एट जेंडर्स इन ऑल देयर डाइवर्सिटी। सो डेफिनेटली द LGBTQI कम्युनिटी और जो तमाम यू नो डाइवर्सिटी है ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, एज, एबिलिटी, बट फॉर श्योर इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विमेन एंड गर्ल्स टू यू नो रियली फोकस ऑन दोज इंटरसेक्शंस इंक्लूडिंग ऑफ एज। So surely men and boys who are the privileged part of the society play a major role. Absolutely. So, आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि after ये initiative आ जाता है, how is my experience as a women traveler going to be different from what it has been earlier? What can I expect? I really hope, and I know I ended with that yesterday, Nimra, and I would go back to it कि दिल खोल के घूमो, हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ हैं। तो मैं रियली ये उम्मीद करती हूँ कि 3 या 5 साल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जिन जिन एरियाज़ को हमने आइडेंटिफाई करा है, चाहे वो कैपेसिटी एनहेंसमेंट हो जो लोग टूरिज्म से जुड़े हैं, या वो व्यवहार परिवर्तन हो, या वो इंक्रीज्ड बजटिंग हो, या वो चेंजेस इन पॉलिसी हो, तो हर एक इस स्पेसिफिक इम्पैक्ट एरिया पे तो चीज़ें डेफिनेटली बदली, लेकिन आई रियली होप ऑफकोर्स 5 साल में इसे कर पाना तो काफ़ी एम्बिशियस भी होगा, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, बट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दैट इन कि दोनों तरफ से एटलीस्ट कुछ मेजर इंडिकेटर्स पे जिन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें परिवर्तन आए, और मध्य प्रदेश में जो महिलाएं टूरिज्म से जुड़ी हैं विद अ होल ऑफ सेक्टर अप्रोच, उसमें उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, उनकी आमदनी में, उनकी सुरक्षा के ना केवल एक्सपीरियंस में बट भावनाओं में भी फर्क है, दैट फीलिंग, यू नो, सो नॉट जस्ट डीलिंग विद सेफ्टी बट द फीलिंग ऑफ सेफ्टी, दैट देर इज़ अ टैंजिबल चेंज इन दैट for all women in different roles, either as directly employed and engaged by tourism or who are coming in as tourists to Madhya Pradesh, you know, either in as a solo traveler or you know, even in groups, because I must say that assuming that when you're in a group you may not have this experience, well, it may be reduced because of your strength in numbers, but it doesn't go away. So I'm really hoping ki women in all their diversities at the end of the day of this particular project, and when I'm saying end, I'm not looking at end of 3 years, 5 years, we definitely need to have a longer term vision that women and girls will feel safe and equal, you know, in the time defined milestones of this partnership and this program. Thank you, Ji, Anju Ji, and all the best for this initiative, and I hope it expands to all the gender and all identities that there are. Thank you so much for talking with us. Thank you so much, Nimra. It was such a pleasure to speak with you. Thank you. Thank you.